Hi guys and welcome to another episode of 1v1. My name is Shashwat और आज जो हमारे guest हैं उनके बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ. उनका जन्म हुआ था सन 2000 में इरेंगल नाम के एक शहर में. इरेंगल की गलियों, पहाड़ियों, नदियों से ये इस कदर वाकिफ हैं कि कभी कभी ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर आर पार दिखने लगता है इनको. मतलब इन शॉर्ट साक्षात भगवान पधारे हैं हमारे स्टूडियोज में. गॉड निक्सन, वेलकम टू द शो. थैंक यू. सो आर यू रेडी? आज हम लोग 1v1 भी करने वाले हैं. रियली एक्साइटेड 1v1 के लिए. कोई चांस लग रहा है मेरा जीतने का? नहीं. ओके ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट 1v1 विद गॉड निक्सन. जब तुमने अपना पहला 1v4 किया था, कुछ याद है उसके बारे में? सीजन 3 में मैं थोड़ा सा खेलने लग गया था. अच्छा. ओके. तो मैंने तब किया था 1v4, याद है मेरे को. और शायद मैंने वेक्टर से किया था. मार दिया. नाइस. आना भी नहीं पड़ा. पढ़ाई करते हो या नहीं भाई? मैं तो पूरा दिन पढ़ता हूँ भाई. टाइम कैसे मैनेज कर लेते हो? भाई मैं पढ़ाई नहीं करता. पूरा दिन पबजी. ये है ट्रिक. पढ़ाई छोड़ दो. नहीं, ऐसा मत कर. नहीं नहीं नहीं. यस. सेफ खेलना है तो फिर मैं प्रीमॉर्क्स और या फेरी पियर उतरता हूँ. फेरी पियर जाते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. अपनी स्कूल लाइफ के बारे में थोड़ा सा बताओ कि व्हाट काइंड ऑफ अ स्टूडेंट वर यू व्हेन यू वर इन स्कूल? मैं स्पोर्ट्स में ज़्यादा रहता था. ओके. मतलब मैंने बास्केटबॉल खेली है अपनी कॉलेज की तरफ से. मैंने कबड्डी खेली है. ओके. और थोड़ी बहुत आर्म रेसलिंग भी की है. अच्छा. हाँ, तो मैं ज़्यादा स्पोर्ट्स वाला बच्चा था, पढ़ाई लिखाई वाला नहीं था. सबसे वाहियात सब्जेक्ट कौन सा लगता था? मैथ्स. कभी समझ नहीं आया. अच्छा, ऐसे कौन कौन से टॉपिक उसके सबसे खतरनाक लगते थे? टॉपिक एलजेब्रा करके था कुछ. ओके. मे बी दिमाग के बाहर था वो. ओके. बिल्कुल जैसा मैं चाहता था वैसे ही हुआ है. कोई नहीं दिख रहा है. एक बंदा पानी हाँ एक बंदा पानी में कूदा है. वो घरों की तरफ आ रहा है. इधर मैं लूट लेता हूँ पहले. ये रहा गन, मिल गई उसको. भागो भागो. गन मिल गई. ऐसा पिस्टल ही हमारे पास था. किसी तरीके से मार दिया. इसे गन है क्या उस पर? इसके पास टॉमी गन है. अब तो और कोई नहीं दिख रहा है यहाँ. नहीं. स्कूल से भी पहले व्हाट काइंड ऑफ अ चाइल्ड वर यू? मैं बहुत हर जगह शरारत करता रहता था. मेरे आई गेस 50 स्टिचेस हैं सर पे. स्टिचेस 50? हाँ. इतने ज़्यादा मैं गिरता रहता था. और वीडियो गेम्स में इंटरेस्ट कब बन गया था? सैमसंग का छोटा कीपैड आता था पहले. उसका रेजोल्यूशन 240x320 रहता था. तो उसमें मैं 3 रुपये का एक गेम डाउनलोड करता था 7 दिन के लिए. अच्छा. और फिर उसको खेलता था. जैसे लोग कॉल ऑफ ड्यूटी वगैरह डाउनलोड करते थे, एसएमएस करने से डाउनलोड हो जाता था. डोकोमो का सिम चलता था उस वक्त. ओके. तब 7 रुपये का रिचार्ज करो, 2 गेम डालो और 1 हफ्ते खेलो. कौन कौन सी गेम्स होती थी उसमें? थी एक डाई हार्ड 4, मेरी फेवरेट. डाई हार्ड थी उसमें? हाँ, डाई हार्ड थी. मिशन इम्पॉसिबल भी थी, किंग कॉन्ग भी थी. ओके. सब थी. तो ये जो खरीदारी होती थी इसके लिए कभी कुछ पता चला घर पे? नहीं, मैं और मेरा भाई पैसे जोड़ते थे. पॉकेट मनी सेव कर करके तब जाके हम वो लेते थे. और फिर पीसी गेमिंग कब शुरू हुई? वैसे मेरी खुद की, पहले मेरे पास पीसी नहीं था. नहीं. तो मैं अपने फ्रेंड्स के पीसी में खेलता था. अच्छा. 2010 से 2010 से. ओके. मैंने ऑलमोस्ट 2016 तक ऑलमोस्ट हर पीसी गेम खेली है. मेरा फेवरेट फारक्राई था, फारक्राई 3. ओके. और फारक्राई काफ़ी पॉपुलर हुआ था बिकॉज उसके ग्राफिक्स काफ़ी अच्छे थे. हाँ, ग्राफिक्स भी. और सब वन ऑफ द बेस्ट स्टोरी थी फारक्राई 3 की. ओके. तो वो बहुत चुरा लिया. वही देख रहा था मैं, आवाज़ आ रही है किसी की. आवाज़ आते ही मेरा आंसर से ध्यान हट के बॉट पे चला गया. अरे एक और बॉट है, मारो. नाइस. और फायर कराई के बाद कौन कौन से गेम्स याद हैं? असासिन्स क्रीड, बैटमैन, एनएफएस एंड माफिया करके भी था. वो भी बहुत सही गेम था. हाँ, मैंने भी माफिया खेला हुआ है. प्रिंस ऑफ पर्सिया जो गेम थी, अभी तक याद है मेरे को. मैंने कम से कम 7-8 बार एंड किया वो गेम. वॉरियर विद इन, प्रिंस ऑफ पर्सिया वॉरियर विद इन. सारी स्वॉर्ड्स हेल्थ, सारी स्वॉर्ड्स अपग्रेड कर ली थी. सारे लाइफ सेवर्स भी अपग्रेड कर लिए थे. लास्ट की वाटर स्वॉर्ड भी थी मेरे पास.
ढाका को मारा, ढाका को मारा। तो पबजी से इंट्रोडक्शन कब हुआ? जब पबजी निकली थी उसके एक मंथ बाद ही। अच्छा। मेरे फ्रेंड ने रिकमेंड किया कि तू पबजी खेल। ओके। तो मैंने पहला गेम खेला और पहला गेम ही चिकन डिनर, मे बी उसमें बॉट्स थे। हाँ। बट फिर उसने मेरे को सही लगा गेम। मेरा ऐसा था कि मैं लास्ट में मारा भी कैसे था, मैं ऑम लेके लेटा हुआ था। अच्छा। लास्ट सर्कल जब तक नहीं आया तब तक मेरे को दिखाई नहीं बंदा बॉट। ओके। तब जाके फिर मैंने मार दी उसको। आई थिंक सभी बॉट होते हैं उसमें। हाँ, आई गेस 99 बॉट्स ही थे वो। हाँ, पूरे तभी मैं खेल पाया। कुछ ऐसे बेसिक टैक्टिक्स क्या हैं जो लोग अब हर किसी को पता चल चुका है जो करते हैं लोग? टीपीपी का अच्छे से यूज़ करना। Okay. पहले बंदों को नहीं पता था कि टीपी, बंदा कंटेनर के पीछे भी है फिर भी वो उस एंगल से नहीं देखेगा आपको। पहले ऐसा था, बट अब हर बंदा जानता है कैसे टीपीपी लेनी है। तो अगर आप टीपीपी खेल रहे हो तो फिर तो बहुत सोच समझ के रश करना पड़ता है। दो किल है मेरी, तुम्हारी कितनी है? एक। ठीक है, एक आध और मिल जाएगी, कोटा सेट है अपना, कोई टेंशन नहीं है। हम लोग फाइट लास्ट सर्कल में लेंगे, टेंशन की बात नहीं है। हाँ, लूट चाहिए मेरे को अभी। मेरे, हाँ, मेरे पास भी नहीं है, 14 गोलियां रह गई उसी में बस। यहाँ लूट करके देखते हैं। ओए ओए, ये क्या हुआ? नई टिप। नाइस, आ गई, अंदर आ गई भाई। अंदर तो आ गई, बाहर निकलेगी वो। हाँ, देखते हैं कहीं ना कहीं से निकलेगी। तो कौन सी गन्स का कॉम्बिनेशन मेक्स यू फील सेफ कि अब मैं मतलब बैरल एंड M4 बेस्ट, बिल्कुल अंदर कॉन्फिडेंस रहता है। अब ग्रोजा मिल जाए तो फिर तो और ज़्यादा। कितनी प्रैक्टिस करनी पड़ती है एक बंदे को टू यू नो रीच अ सर्टेन लेवल की वो कॉन्फिडेंट फील करे? एक्सपीरियंस, जब बंदा जैसे 1v4 करता है तो अगर उसने एक बार कर ली तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मैं दोबारा भी कर सकता हूँ। तो धीरे धीरे पता चल जाता है कि 1v4 में ऐसे खेलना है। अगर आप कभी भी सिचुएशन 1v4 की हो तो आप रश कर नहीं सकते। Okay. एक अच्छी स्क्वाड पे रश नहीं कर सकते आप। आपको स्टैटिक्स और नेडविड्स यूज़ करके ही जाना होगा आगे। क्योंकि किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, सबको खेलना आता है। स्ट्रैटेजी बना के एक बंदे को डाउन करना पड़ेगा, उसके बाद बाकी एटलीस्ट एक बंदे को डाउन करो फिर घुस जाओ। तो जब तुमने अपना पहला 1v4 किया था कुछ याद है उसके बारे में? सीज़न 2 में मैं नॉर्मल खेलता था, बट सीज़न 3 में मैं थोड़ा सा खेलने लग गया था अच्छा। ओके। तो मैंने तब किया था 1v4, याद है मेरे को। और शायद मैंने वेक्टर से किया था। अच्छा। उस टाइम सिर्फ 13 क्लिप्स, एक हाँ। एक क्लिप में 13 गोली। एक्सटेंडेड नहीं था तुम्हारे पास? नहीं, एक्सटेंडेड नहीं था, तो मैंने वैसे मारा था गटका के पास। काफ़ी मेमोरेबल रहा होगा वो, मतलब अलग ही फीलिंग। हाँ, मेरे वो बंदों का रिएक्शन पूरा एकदम क्या कर दिया इसने। ऐसा था। बंदे मेरे पास, आई थिंक तुम काफ़ी आगे चले गए। मार दिए, नाइस, आना भी नहीं पड़ा। अब 14 ही लोग रह गए हैं, गेम को जल्दी से ख़त्म करते हैं फिर उसके बाद सवालों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। M4 मिल गई इससे। भाई भाई, ओहो हो, दूर है वो बंदा काफ़ी। इस तरफ से आना आप। स्मोक कर रहा हूँ। पहाड़ी से मारा उसने? नहीं नहीं नहीं, स्क्वाड हाउस। हमारे पास गाड़ी भी है, हमको निकलना है तो निकल सकते हैं यहाँ से। निकलता हूँ, हील बूस्ट कर लेता हूँ मैं। 9 बंदे बचे। मार्क करना कहाँ चले? कहीं पर भी ले लो, सेवर नहीं डाल, कोई बिल्डिंग ले लेते हैं। इधर फाइट हुई पड़ी है, बंदा है सामने। तो बंदा, ये क्या हुआ, ये नॉक कैसे नहीं हुआ? मैंने, आओ फाइट लेन से। भारी लेटा हुआ है, इधर से नहीं जाना। लेफ्ट पे आया, जीरो हो गई मेरी एमओ। ये सही है, ड्रिंक मार सकते हैं बैठे बैठे। अब चलते चलते पेट्रोल भी भर जाते हैं, मतलब इन्होंने कुछ ज़्यादा ही कर दिया कि अब ये भी ले लो तुम। पहले तो कुछ भी नहीं था। हल्का सा कोई टक्कर मार दे तो हेल्थ पैक बंद हो जाता था।
फाइट ही नहीं सीधा नहीं हील पे रोक सकते हैं हील पे रोक है ठीक है कुछ भी कर लो बोल्ट एक्शन था इसीलिए मैं सोचा एक नॉक करूं और घुसाऊं ये जगह सही रहेगी जहां तुम्हारा मार्क है वहां ले जा रहा हूं मैं अच्छा ये नहीं आप घुमा के ले चलो यहां पर गाड़ी और इसका कवर बना लेते हैं उतर जाओ यहां पर इसी के अंदर है और कोई एक चीज करता हूँ मैं इधर से थोड़ी और कूद गया बंदा नाइस अकेला था ये बगी वाला इस घर के पीछे आप राइट से जाओ मैं लेफ्ट से जाता हूँ अरे वाह जी 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 हो जाए चैट में और अब बाकी की बात विदाउट गेम प्ले आगे बढ़ाते हैं वो अच्छा ट्रिक चल रहा था जो बैल्कनी से चढ़ने का लेकिन वो रेलिंग की वजह से अड़ गया था सर गाड़ी थोड़ी और इधर होती तो मैं चढ़ जाता उस पे पक्का तो GODNiXON यूट्यूब चैनल की शुरुआत कहाँ से हुई मैं पहले भी यूट्यूब ट्राई कर चुका था 2015-16 में मैं मिनी मिलिशिया खेलता था तो मैंने अपना यूट्यूब स्टार्ट किया तो उस टाइम मेरे शायद 400 सब्सक्राइबर थे और चैनल यही वाला था नहीं नहीं ये चैनल था दूसरा चैनल था वो नाइट्रॉक्स गेमिंग तो कुछ शायद एक वीडियो में मेरे 1000 व्यूज़ आए थे तो मुझे बहुत अच्छा लगा था कि भाई चलो 1000 व्यूज़ आ गए डालना चालू करता हूँ तो फिर क्या हुआ मिनी मिलिशिया इतना पॉपुलर गेम था नहीं फिर मैंने एक और यूट्यूब चैनल खोला फिर मैंने गेम प्लेस की वीडियो डालना चालू की गेम ट्रेलर्स मैं यूट्यूब से ट्रेलर्स उठाता था टॉप 5 बेस्ट गेम्स करके डाल देता था और उस टाइम यूट्यूब की इतनी पॉलिसी भी नहीं थी तो वो डाला उस पर एक वीडियो पर 55 के व्यूज़ आए थे तो मुझे लगा कि भाई यूट्यूब तो बहुत सही है फिर शायद 400 सब्सक्राइबर हो गए थे उस पर भी 400 हो गए थे तो फिर यूट्यूब की जब पॉलिसी आई तो चैनल ही उड़ गया वो सेकंड चैनल था हाँ वो सेकंड चैनल था अच्छा नाइट्रॉक्स नहीं वो टेक वर्ल्ड करके था ओके तो वो भी उड़ गया स्टिल आईडी है मेरे पास उसकी बट वो उड़ गया फिर पबजी आया तो फिर मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया और वो भी ऐसा था कि कोई था तो उसने बोला मतलब ऐसा था मेरे को थोड़ा ईगो हर्ट हो गया था अपना तो वो सिर्फ उसको यूट्यूब ही देखना था कि नंबर्स करके तो मैंने बोला ठीक है कि मैं भी एक यूट्यूब चैनल बनाऊंगा कहा कि मैं बना के दिखाऊंगा हाँ मैंने कहा कि ठीक है मैं बना के दिखाऊंगा यूट्यूब चैनल करके तो फिर मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया पहली मेरी लाइव स्ट्रीम थी चैनल की तो उसको शायद 4 बंदे देख रहे थे 2 मैं और 2 कोई और तो वो उसके बाद फिर मैंने गेम प्लेस की वीडियो डाली ट्राई किया कि एक था वर्ल्ड्स फास्टेस्ट स्क्वाड वाइप मैंने आई गेस 1 सेकंड में 4 बंदे मार दिए थे वो भी गन से नेडवेड से नहीं अच्छा हाँ 1 सेकंड में ओके तो वो बंदे मार दिए तो फिर कौन सी गन चला रहे थे M4 M4 से हाँ कार फाइट थी मैंने हेडेड ऐसे करके बंदे गिर गए थे तो उसके बाद मैंने एक वीडियो डाली टिप्स एंड ट्रिक्स की ओके और वीडियो तो बन गई बट मैंने 4-5 दिन ये सोचा कि थंबनेल कैसा डालता हूँ अच्छा हाँ क्योंकि थंबनेल मेन हाईलाइट थी मेरी वीडियो की और वो कौन सी वीडियो थी वो टिप्स एंड ट्रिक्स स्क्वाड हाउस हाँ स्क्वाड हाउस की थी काफ़ी अच्छी चली थी वो मेरी अभी तक की चैनल की बेस्ट वीडियो है सबसे वायरल उस पर आई गेस 120 के लाइक्स भी हैं तो वो मेरे चैनल की लाइव मतलब मेरे चैनल का जो टर्निंग पॉइंट था उसी वीडियो से था 2 बजे रात के मैंने वीडियो डाली मेरे सब्सक्राइबर शायद 800 थे जब मैं सुबह उठा तो मेरे सब्सक्राइबर 1.2K हो चुके थे और वीडियोस पे व्यूज़ 8K और फिर मेरी ट्रेन थी तो फिर मैं ट्रेन में बैठा घर गया घर जाते जाते मेरे सब्सक्राइबर 1.2K से 40K हो चुके थे और एक ट्रेन राइड में हाँ एक ट्रेन राइड में और वीडियो पे व्यूज़ हो चुके थे मेरे आई गेस 110K और मैं ट्रेन से स्टेशन उतरा स्टेशन से घर गया मेरे सब्सक्राइबर 40K से 70K हो गए थे 2 घंटे में घर जाते जाते और वीडियोज़ पे व्यू 200K फिर थोड़े दिन में आई गेस उस वीडियो ने 1 मिलियन क्रॉस कर दिया 2 दिन के बाद और फिर मेरे 100K भी हो गए
वो उस टाइम जब ये ग्रोथ हो रही थी तो कैसा फील हो रहा था? बहुत अच्छा लग रहा था अंदर से कि बंदे अप्रिशिएट कर रहे हैं। और मैं ऐसा था कि हर दूसरे दिन वीडियो डाल देता था, ये लोग तो एडिक्टेड हो चुके थे, अभी भी हैं, वो चाहते थे कि तू डाल वीडियो, बस तू कुछ भी डाल दे, तू डाल, हर घंटे डाल, मिनट डाल, जब डालना डाल, तू वीडियो डाल, बस ऐसा था। और अपने वीडियोस में यू डोंट डू द फेस कैम, शुरू में तो अभी नहीं किया था, नहीं नहीं किया अभी मैंने, तक भी शायद नहीं किया फेस कैम, नहीं। तो लोग अब सुन तुम्हारी आवाज़ ही सकते हैं, तो हाँ, आवाज़ के बारे में क्या बोलते थे? अच्छा आवाज़ बंदों को बहुत पसंद थी, टू बी ऑनेस्ट। वो बंदे मेरी आवाज़ सुनने के लिए कुछ कुछ ऐसे थे जो वीडियो देखते थे, बोलते थे कि आप बहुत हम्बल बात करते हो और आप बहुत अच्छे से समझाते हो एक एज अ नॉर्मल पर्सन, ज़्यादा हाइप नहीं करते ज़्यादा, तो उनको आवाज़ बंदों को बहुत पसंद थी। आप कमेंट्स पढ़ना, बंदों को मेरी आवाज़ पसंद थी, हाँ, अभी मतलब भी है। कुछ जो ओवर एक्साइटेड जो कुछ लोग दिखाते हाँ, हैं मैं कि वैसा नहीं रहता, एकदम नॉर्मल ऐसे ऐसा। ऐसे हाँ, उनसे करना। इंटरेक्ट करने की कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, ऐसा नहीं दिखाता कि मैं आई एम अ यूट्यूबर और ऐसे अट्रैक्ट, ऐसे नहीं, एकदम एज अ नॉर्मल गाय। हाउ डू यू स्टार्ट यू नो थिंकिंग अबाउट व्हाट टू मेक एंड हाउ डू यू एक्चुअली गो अबाउट, कैसे बनाना शुरू करते हो? क्लासिक्स में करते हो या फिर? नहीं, मैं क्या करता हूँ, एक रूम बनाता हूँ अपनी, दो आईडी लेता हूँ और रूम स्टार्ट कर देता हूँ और एक आईडी से एग्जिट कर देता हूँ, तो मैं सिंगल बंदा बच जाता हूँ। तो मैं 30 मिनट्स पूरे मैप में घूमता हूँ, इधर उधर छलांगे मारता रहता हूँ, बाइकें उड़ाता रहता हूँ, और कुछ लगता है पहले तो मैं एक पर्टिकुलर जगह सेलेक्ट करता हूँ, जैसे फॉर का एग्ज़ाम्पल मिलिट्री बेस, तो मैं मिलिट्री बेस में, अगर जोन जब तक बन रहा है, मिलिट्री बेस में घूमता रहूँगा, इधर उधर चढ़ता रहूँगा, कुछ भी करने की ट्राई करूँगा, कुछ नया निकला तो उसको मैं नोट कर लेता हूँ। अभी तक जितनी भी टिप्स निकाली है मेरे पास सारी नोटेड है, सबको नोट करता हुआ है कि याद रहे। और फिर टाइम कितना स्पेंड करते हो वहां पे? मैं पहले जब करता 8 आवर्स, जब मेरा यूट्यूब स्टार्ट हुआ था व्हेन आई क्रॉस 100K, तो मैं दिन में शायद 3-4 घंटे ही सोता था, बाकी दिन पूरा रिसर्च कि क्या डालना है, क्योंकि बंदों को चाहिए कुछ कुछ नया और कुछ यूनिक, जो किसी ने ढूंढा नहीं जो है। किसी ने ढूंढा नहीं। मेरी यही खासियत थी कि जो किसी ने ढूंढा नहीं वो ढूंढता था मैं। आपने किसी ने नहीं ढूंढा होगा कि नीचे से ऊपर भी जा सकते हैं, बट वो मैंने ढूंढा था। और काफ़ी ट्रिक्स ऐसी थी कि जो बंदे एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, जैसे ब्रिज के ऊपर बाइक से आप चढ़ सकते हो, ये कोई कौन बंदा एक्सपेक्ट करता था, बट आप चढ़ सकते हो ब्रिज के ऊपर बाइक से। लोगों ने फिर बोलना शुरू किया कि ये चीजें तो तू रूम में करता है, तो तू इसको क्लासिक्स में करना हाँ, के दिखा। तो फिर मैंने क्या किया कि गेम प्लेस की वीडियो डालना चालू की जिसमें मैं खुद की ट्रिक्स यूज़ करता हूँ, तो मैंने डाली और बंदों ने देखा कि हाँ ये करता है। और बहुत बार ये भी कमेंट्स देखने को मिलते हैं कि ठीक है निक्सन तूने वीडियो डाल दी, अब डिलीट कर दे, मैंने देख लिया, हाँ, बिकॉज बहुत एनिमीज आर ऑल्सो वॉचिंग। बहुत कम से कम, अगर मैंने एक वीडियो डाली तो 100 कमेंट तो यही रहेंगे, एनिमीज डोंट बी सो हैप्पी, माई एनिमीज आर ऑल्सो वॉचिंग, ऐसे करके आदत पड़ चुकी है उनकी। तो एनिमीज तो देख रहे हैं बट पबजी ऑफिशियल्स भी आई थिंक तुम्हारी वीडियोस देखते हाँ, हैं, मेरे को लगता क्योंकि है। जो ग्लिचेस जो पता चल जाते हैं तो आई थिंक वो एक नेड उसको। ग्लिच था मिलिट्री बेस में जिसमें आप दीवार के पार नेड फेंक सकते थे, हाँ, तो वो मैंने डाली थी और वो 2 दिन बाद ही बंद कर दी, ऐसा था। जो नाम है चैनल का गॉड निक्सन, इसकी क्या हिस्ट्री है? इसकी हिस्ट्री है कि मैं पहले एक गेम खेलता था गॉड ऑफ वॉर, तो उस गेम से जो क्रेटोस था मेन उनका कैरेक्टर, तो एक गॉड था, मैं क्रेटोस तो रख नहीं सकता था बट गॉड था, तो मैंने वहाँ से गॉड उठाया। और निक्सन ऐसा है कि मेरे को ऐसा नाम चाहिए था जो शार्प साउंड करे, शार्प थोड़ा, तो निक्सन थोड़ा शार्प साउंड करता है, तो मैंने गॉड निक्सन को मिला दिया। पहले मेरा नाम नाइट्रॉक्स था 9 ईयर्स अगो इन गेमिंग। ठीक है, नाउ आई हैव हैंड पिक्ड अ फ्यू कॉमेंट्स फ्रॉम योर यूट्यूब चैनल, तो यू नो शायद तुमने वो पढ़े हो शायद ना पढ़े हो, तो वील टेक योर रिएक्शन फॉर दैट। ओके, द फर्स्ट कॉमेंट इज़ फ्रॉम घातक गेमिंग, बट आई डोंट थिंक ये घातक है। भाई तू बहुत अच्छा खेलता है फिर भी PMCO में क्यों नहीं जाता यार? क्योंकि आई प्ले ऑन आईपैड, ओके, दैट्स व्हाई। नेक्स्ट कॉमेंट है भविन जैन का, पढ़ाई करते हो या नहीं? भाई मैं तो पूरा दिन पढ़ता हूँ, भाई टाइम कैसे मैनेज कर लेते हो? भाई मैं पढ़ाई नहीं करता, पूरा दिन पबजी। ये है ट्रिक, पढ़ाई छोड़ दो। नहीं, ऐसा मत कर। सार्थक अग्रवाल बोलते हैं कि व्हाट योर बिगेस्ट अचीवमेंट एज अ गेमर व्हाइल प्लेइंग पबजी मोबाइल? टू गेट अ चांस टू बिकम कंट्री मैनेजर ऑफ PMCO मेरा बिगेस्ट अचीवमेंट है अभी तक का। सो थैंक्स टू ऑल माई फैंस एंड सपोर्टर्स, जिनकी वजह से मैं हुआ इसलिए एबल कि मैं कंट्री मैनेजर बन सकूँ पबजी, ये मेरा बिगेस्ट अचीवमेंट है अभी तक। दैट्स अ ग्रेट थिंग। लियो मेसी का कमेंट है, रिस्पेक्टेड सर, डज योर फैमिली अलाउ यू मेकिंग वीडियोस? आई मीन आर दे हैप्पी एंड? हाँ भाई, मेरी फैमिली करती है, जब मैं वीडियो बनाना रहता हूँ तो मेरी फैमिली बिल्कुल आवाज़ नहीं करती, डिस्टर्ब नहीं करती, इवन मॉम तो बाहर जाके बैठ जाती थी घर के, कि आवाज़ ना हो, कंफर्ट हो डिस्टर्ब ना जाए। हो, हाँ, कि कंफर्ट हो जाए बंदे को। तो
कोई वो सीन नहीं है, मैं आराम से वीडियो बना पाता हूँ अपनी। एंड फाइनली द लास्ट कॉमेंट इज फ्रॉम AWM आर्यन, वो बोलते हैं फुल सपोर्ट। थैंक यू। ओके सो दोज वर ऑल द कॉमेंट्स। टू कंक्लूड, कैसी शुरुआत से अभी तक की जो जर्नी है, किस तरीके से रही है? मैं एक्चुअली ऐसा मैंने बोला, मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं था बचपन से, तो उनको मैं पता नहीं कैसे पास हो गया घिस घिस के। तो उन्होंने बोला कि देख अभी तू पढ़ता नहीं है तो आगे क्या करेगा। तो फिर मेरे मन में भी रहता था यार मैं पढ़ाई अच्छी नहीं, मैं क्या करूँगा आगे। बट फिर मैंने सोचा कि यार होगा, मेहनत करो तो होगा, तो मैंने यूट्यूब पे किया। मेरी मॉम बहुत सपोर्टिव है मेरे लिए। तो मतलब डज शी अंडरस्टैंड कि ये ग्लिचेस हैं और तुम नहीं? मॉम बस बूम बोलती है जब भी मेरे को देखती है। और ये तो अभी स्टार्टिंग है मेरे लिए, मेरे को भी बहुत लंबी जर्नी तय करनी है साथ में। तो फैंस का सपोर्ट रहा है हमेशा से, और उन्होंने मेरे को मोटिवेट किया है बहुत ज़्यादा। फैंस मेरे लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है अभी, क्योंकि वो मोटिवेट करते हैं तो मैं नई वीडियो बना पाता हूँ। तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा है, और मैं लकी हूँ कि मेरे पास ऐसी फैमिली है, निक्सन फैम, तो वो मेरे को सपोर्ट करते हैं तो मैं नई वीडियो बनाता हूँ। फाइनली टाइम आ गया है कि वन अप गेमिंग वर्सेस गॉड निक्सन हो जाए एक 1v1 TDM में। मेरा तो इन्होंने बोल दिया कि कोई चांस नहीं है जीतने का, लेट्स सी। थोड़ा हल्का खेलना है। हाँ बिल्कुल, नो ट्राई हार्ड। Team match, let's go. The blue team has scored for the first time. Sort of. Dead. Blue team has scored for the first time. Finally. No mercy. Reloading. Kitni health rahi? Kaafi hai. Damn it. Cover me. Nice shot. लेवल का फायदा उठाया जा रहा है। No mercy. कैंपिंग। अरे नहीं नहीं नहीं। Yes. कैचिंग अप। चलो गेम खत्म करें, अब 8-8 हो गए। अरे अरे चलते चल, ये क्या हो गया? अरे यार अरे अबे ये nice shot. Ooh. Target down. Kill. Desync bro, desync. मेरा recording देखना। मैं cover में आ गया था। अरे भाई। एक मुक्का और लगना था। ओहो, शॉटगन का क्लोज रेंज में कोई मुकाबला नहीं है। ब्लू टीम विक्ट्री। नाइस। तो जैसा कि मैंने पहले प्रेडिक्ट किया था कि कुछ नहीं हो सकता गॉडनिक्सन के सामने, बट काफ़ी मज़ा आया CDM खेल के।
So if you guys also liked the interview, you should hit the like button. और अब मैं request करूँगा कि So guys, make sure to subscribe One Up Gaming and इस वीडियो को like कर देना अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो और share भी कर देना सारे दोस्तों को ताकि वो देख पाए कि real GODNiXON ऐसी बातें मैंने कहीं नहीं कही हैं अभी तक So make sure to hit the subscribe and like button. We'll be right back.